तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अनवांटेड ईमेल्स के बारे में। यानी कि आपको पता होगा कि आपके ईमेल, अगर आपके पास एक ईमेल हो तो आपको पता होगा कि आपके ईमेल पर कोई भी अनवांटेड ईमेल आते होंगे, एडवर्टाइजमेंट के या फिर किसी सेलिब्रेशन के या फिर किसी भी वेबसाइट के अनवांटेड ईमेल आपको आते रहेंगे। तो ईमेल ये हमें कैसे आते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो अगर आपने किसी वेबसाइट पर अपना नाम रजिस्टर किया हो या फिर वहां पर अकाउंट क्रिएट किया हो, तो उस वेबसाइट पर कोई भी अगर सेल लग जाती है या फिर कोई भी होता है, तो उसका मेल आपको आने लगता है। प्रमोशन ईमेल या फिर सोशल ईमेल्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिसके भी सोशल ईमेल से वो आते रहते हैं हमें। उसके बाद हमें आते हैं, अगर आपका ईमेल आईडी कहीं पर लीक हो गया हो या फिर किसी ऐप ने थर्ड पार्टी के लिए आपका जो ईमेल है उनके फायदे के लिए उसे भेज दिया, या फिर कहीं से भी आपका जो ईमेल है वो लीक हो गया हो, तो उसी के थ्रू हमें जो ईमेल्स है वो आते रहते हैं प्रमोशंस के। लाइक यहाँ पर आपको इतना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, आप ये जीत गए हो, आप वो जीत गए हो, ऐसे फिशिंग ईमेल या फिर स्पैम ईमेल्स हमें आते रहते हैं। तो हम इन ईमेल से कैसे बच सकते हैं, इस ईमेल से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो प्लीज दोस्तों, बिना स्किप के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको काम जरूर आएगी। तो प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हो द सीक्रेट ऑफ गैजेट। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपना ईमेल आईडी जो है वो लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर मैंने अपना ईमेल आईडी जो है वो पहले से ही लॉगिन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर हमें तीन टैब्स देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले वाली है जो प्राइमरी, सेकंड है सोशल, थर्ड है प्रमोशन। तो प्राइमरी में हमें वो ईमेल जाते हैं जहां पर हमने रजिस्टर किया हुआ है हमारा अकाउंट हमारे उसी ईमेल आईडी से, तो हमें उसके ईमेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी ईमेल जाते हैं जहां पर हमने रजिस्टर भी नहीं किया हो, वो भी ईमेल्स यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब आते हैं सोशल पर। तो सोशल में हमें कौन से ईमेल्स आते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनके हमें ईमेल्स आते रहते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो एक ग्रामरली, तो ये स्टार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये मेल नहीं है, तो ये हमें दिखाई दे रही है एड दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एड दिखाई दे रहे हैं, चाहिए तो आप इस एड को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो एड्स आते रहते, वो गूगल की पॉलिसी पर ही है, हमें हमारे ईमेल पर वो एड भेजते रहते, वो आप रिफ्रेश करोगे तो फिर से कोई ना कोई दूसरी एड आएगी। उसके बाद आते हैं हम प्रमोशंस पर। तो प्रमोशंस में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें बहुत सारे ईमेल्स आते हैं। लाइक अगर फेसबुक, लाइक मिंत्रा या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनका कोई अगर सेल चल रहा हो 50% off, 30%, तो उसके प्रमोशंस के लिए वो हमें प्रमोशंस ईमेल भेज देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि amazon.in, लावा, ये सब हमें प्रमोशंस ईमेल आते हैं। लेकिन मान लो कि आपने कोई ऐसा ईमेल आ रहा हो जिस पर आपने कोई रजिस्टर्ड नहीं किया हो और आपको उस ईमेल की कोई जरूरत ही नहीं है, तो उस ईमेल को आपको अनसब्सक्राइब करना है, यानी कि उसको हटा देना है कि आपको उनके फ्यूचर में ईमेल नहीं चाहिए। तो उसे हम कैसे हटाएंगे, अब ये हम देख लेंगे। तो आपको जो भी ईमेल सिलेक्ट करना है उसे आप सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर मैं हेलियस का ईमेल ले लेता हूँ, द वॉच का, तो इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनसब्सक्राइब का यहाँ पर भी हमें एक बटन देखने के मिल रहा है। फिर आप अगर नीचे भी आते हो, अगर आपको मान लो यहाँ पर अनसब्सक्राइब का बटन नहीं दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली नीचे जाना है, पूरा नीचे आना है यहाँ पर हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टू अनसब्सक्राइब फ्रॉम रिसीविंग ईमेल्स ऑन हमारा ईमेल आईडी प्लीज क्लिक हियर, तो हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। कई बार वहां पर अनसब्सक्राइब का बटन रहता है, तो डायरेक्टली आप वहां पर अनसब्सक्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूर ईमेल एड्रेस हैज बीन अनसब्सक्राइब्ड, यानी कि हमारा जो ईमेल आईडी है वो यहाँ से अनसब्सक्राइब हो चुका है, और यहाँ से हमारे जो फ्यूचर में ईमेल्स है वो यहाँ से अभी हमें नहीं आएंगे। लेकिन मान लो फिर भी हमें यहाँ से ईमेल जो है वो आ रहे हैं, यानी कि ईमेल्स इनके आने के हमें बंद नहीं हो रहे। तो यहाँ पर सिंपली हमें यहाँ पर तीन डॉट्स पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्लॉक हेलियस द वॉच स्टोर, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इसे ब्लॉक भी कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर ब्लॉक के बटन पर उसे क्लिक कर देना है। जैसे ही ब्लॉक के बटन पर क्लिक कर देगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यू हैव ब्लॉक्ड, यानी कि उनका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर लिखा है, न्यू मैसेजेस फ्रॉम सेंडर, यानी कि इससे आपको जो भी ईमेल्स है वो अभी नहीं आएंगे। चाहे तो आप यहाँ पर इसे स्पैम में भी मूव कर सकते हो, लेकिन वहां पर आपके स्पैम के यहाँ पर आपको स्पैम का फोल्डर दिखाते हो, तो यहाँ पर आपके स्पैम में जो है वो इनके ईमेल्स आके आते रहेंगे। तो यहाँ पर हमें सिंपली इसे ब्लॉक ही रहने देना है। ये एक मेथड है कि आप उनके ईमेल्स आने से उन्हें रोक सकते हो। अब आते हैं थर्ड ट्रिक पर। तो थर्ड में क्या है, सिंपली हमें ईमेल को ओपन करना है, यहाँ पर तीन डॉट पर आना है और यहाँ पर रिपोर्ट स्पैम,
फिशिंग आप कर सकते हो, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। आपको अगर रिपोर्ट स्पैम करना है तो आप रिपोर्ट स्पैम करके यहाँ पर रिपोर्ट स्पैम पर क्लिक करोगे तो ये स्पैम करके रिपोर्ट वहां पर जाएगा और आपके डायरेक्टली ईमेल आईडी से वो अनसब्सक्राइब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये तीन मेथड है कि आपको अनवांटेड ईमेल्स आने से बचा सकते हैं। दोस्तों यही तीन मेथड से इसी मेथड से हम अनवांटेड ईमेल्स को जो है वो हमारे ईमेल्स पर आने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं हर रोज ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ एंड हेल्दी।